श्री कर्ण सागर प्रभु जी के प्रेम भक्त स्वरूप बंधु भाइयों और बहनों, हमने दो भजन गाए, गुरु भक्ति का और योग महिमा। गुरु और योग एक ही होते हैं। गुरु वही है जो योग सिखलाता है और योग वही है जो गुरु से मिलते हैं। इन दोनों को अलग नहीं जा सकता। गुरु और योग ये सुनाने में से है और इसको अलग नहीं किया जा सकता। हम प्रभु के चरण में बैठे हैं, प्रभु जी हमारे भगवान हैं, गुरु हैं और उनसे हम योग सीखते हैं। प्रभु जी ने उतार लिया योग के पुनरुद्धार के लिए। उस समय इनका अवतार वो लुप्त विद्या योग थी, योग हजारों सालों से लुप्त थी, उसको जागृत करने के लिए और उन्हें ये योग साधन आश्रम की स्थापना की, जहाँ पर योग की शिक्षा दी जाती है और योग का प्रचार किया जाता है। जो यहाँ आते हैं वो योग के सीखते हैं और योग को सिखलाते हैं। ये बात समझ आई। इस आश्रम में आने का प्रयोजन है योग सीखना और योग सिखलाना। जो ये करते हैं वह प्रभु की कृपा के पात्र होते हैं। जितना करोगे प्रभु की कृपा के उतने पात्र। भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता। और हम कृपा चाहते हैं प्रभु जी की, तो योग सीखो और योग सिखलाओ। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि योग करने और योग सिखाने और योग सीखने में रुकावटें भी होती। व्याधि एक बीमारी, जो बीमार रहेगा वो योग क्या करेगा? बीमारी से दूर रहना, बीमार नहीं होना। बीमार होना पाप है। आप बीमार होते हैं दूसरों को दुखी कर देते हैं। क्यों बीमार हो? दूसरों को दुखी करने के लिए बीमार मत हो। कहते कैसे ना हो गए, शरीर ढलता रहता है। भाई हमें से योग सिखाया है, जो योग करे योगी करेगा वो बीमार नहीं हो सकता। पर करे सही, पर करता नहीं है। इससे एक और विघ्न है, सत्यान सुख्यान सुस्ती। सुस्ती है, सुस्ती करने देती। जो सुस्त आदमी है वो योग से दूर रहेगा, बीमार हो जाएगा। बीमार होगा पाप करेगा, उस पाप का भागी बनेगा, दूसरों को दुख देगा। और तीसरी और कोई ऐसा है वो और भी उसे दूरी है, संशय। हमने बीमारी से बचना है तो ब्लड प्रेशर है तो गोली खाने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। क्यों उन्नति करनी है? एक गोली खाने से अच्छी तो होता, पर गोली सारी उम्र खाते रहोगे और फिर भी नहीं होगा। जिनको ब्लड प्रेशर है गोली खाने से नहीं होता। ब्लड प्रेशर कारण और है। आज ब्लड प्रेशर कारण है जो ये बिजली की तरंगे हमारे सिर पर टकरा रही हैं टावर से, वे हर समय सोते जाते टकरा रही हैं। इसलिए सारा संसार ब्लड प्रेशर में पीड़ित है, दिमाग खराब हो रहे हैं। ये छोटी छोटी चिड़ियों को मार दिया इसने, बच्चों के दिमाग खराब कर दिया, किसी ऐनक लगी है, किसी कुछ है, और ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे शरीर को ब्लड प्रेशर हो रहा है, गोलियों से ठीक नहीं होगा। इससे भी योग है तो संशय नहीं करना चाहिए कि दवाई से ठीक होगा, मैं योग से ठीक होगा बीमारी। तो पहले मैंने कहा बीमारी पाप है
और बीमारी के कारण है हमारी सुस्ती, और सुस्ती का कारण है संशय। ये मैं शास्त्र से कह रहा हूँ, व्याधि स्थान संशय। और एक और कारण है प्रमाद। अच्छा जी, आप भी योग क्लास में चलें, आज तो नहीं कल चलेंगे, वो कल कल करते कल याद आ कल हो जाता है बीमारी पड़ेगा तो कल हो जाएगा, मर जाओगे लेकिन कल ही खत्म होगा। व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य, प्रमाद और आलस्य, भाई आज मेरी नींद आ रही है योग नहीं करें आलस्य। मैं शास्त्र का श्लोक बोल रहा हूँ, सूत्र बोल रहा हूँ कि योग के ये रास्ते रुकावटें हैं, तो हम कहते हैं प्रभु जी कहते हैं योग करो और कराओ, तब हमारी कृपा के पात्र बनोगे। तो कृपा करो कृपा करो, मैं कहूँ प्रभु जी कृपा मांगते हो तो प्रभु जी कृपा को पात्र भी बनो, योग करो योग कराओ, कहने से भी हो जाएगी। योग करा रहे हैं कृपा पात्र, उनके बच्चे भी ठीक हैं, उनके घर भी ठीक है, बीमारियाँ भी नहीं हैं, उनके बच्चों को नौकरी मिल रही है, एजुकेशन भी ठीक है, जो योग करा रहे उदाहरण है हमारे सामने। तो सूत्र है जो व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविगति भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन क्या है भाई, योग करना है छोड़ो भाई, योग क्या है कभी सुना भी योग, कुछ है कुछ भी नहीं योग होता, ऐसे बकवास है बस भ्रांति योग, उसने बकवास का और हम भाई भाग इस बकवास में जाना, कितने कितने विघ्न हैं। तो विघ्न यही है कि पहले तो बीमार हो ही ना, और बीमार योग करो, फिर पाप लगेगा तो पाप इस जन्म में भोगोगे, पर संसार में भोगोगे। अगर आपका बच्चा बीमार हो गया, आपने योग नहीं कराया तो क्या होगा? आज हम देख रहे हैं एक आदमी है, उसका बच्चा बीमार हो गया, कभी आश्रम नहीं आया, बीमार हो गया, इस वजह से उसकी पेंशन है, पेंशन भी खत्म हो जाती है, प्रोविडेंट भी खत्म हो रहा है, लाख रुपया खर्च हो रहा है, अब भूखे मार रहे हैं, वो परिवार भूखा मार रहे हैं, या बच्चे को मरने दें, बच्चों को मरेगा, वो बच्चा मरता भी नहीं है और जीता भी है और सारा धन वेस्ट हो रहा है। आप दवाइयों के ऊपर कितना खर्च होता है, एक बार कुछ करें तो लाख रुपये कम नहीं खर्च होता। तो भाई योग करता लड़का तो बीमार ना होता, माँ बाप भी दुखी ना होते, ये एक ही नहीं है, हम तो ठीक हैं, आप ठीक हैं, लेकिन क्या पता योग नहीं करते तो कोई अंदर से ऐसी चीज आ जाए कि अभी किडनी खराब हो जाए, और किडनी खराब होगी वो भी या कुछ हो जाए, कई चीज़ होती हैं आजकल, कैंसर भी हो जाता है, बैठे बैठे कैंसर हो जाता है जो नहीं करते, क्योंकि उस कारण जो होता है कि अंदर जो मल जमा हो जाते हैं। तो योग में और आयुर्वेद में लिखा है के बीमारी का कारण है जो मल जमा हो जाते हैं, और मल से ही सब की पैदा होता है, सर्वेशाम रोगा नाम निदानम कुपिता मला, जो मल जमा होकर रुक जाता है तो दर्द कहते हैं, कोई आता है मेरे पेट में दर्द है, मैं कहाँ है यहाँ है यहाँ है, मैं समझता हूँ इस अंत में रुकावट है, इस दर्द है, मैं कहता हूँ मत जाओ डॉक्टर के पास, तुम जलाब ले लो शंकर कर लो दर्द ठीक हो जाएगी, मल को निकालना है ना कि दवाई खानी है, मल रुक जहाँ मल रुका हुआ है, गले में रुक गया गला खराब हो जाएगा, दिमाग में कलाट हो जाएगा दिमाग खराब हो जाएगा, ये सब मल है, किडनी में स्टोन बन जाएगा वो मल से, किडनी स्टोन क्यों क्यों बनते हैं, किडनी के छेक कम हो जाते हैं, ब्लड जो है गाढ़ा हो जाते हैं खा पर वो गाढ़ा ब्लड किडनी निकलता नहीं, किडनी के छेक बंद हो जाते हैं और किडनी के अंदर जमा रहता है वो स्टोन बन जाता है, पहले इतना खाओ ही ना जिससे ब्लड तुम्हारा पतला रहे, डॉक्टर पतला देने के लिए गोली देते हैं, तो हम कहते हैं पतला देने के लिए कम खाओ,
घर पतला हो जाएगा। अब कहते हैं कि आप हम आश्रम में आते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा मेरे पास दवाई नहीं है, मेरे पास तो संयम है। हम कहते हैं संयम, खाने का संयम करो तो बीमारी सर हो जाए। तो इसलिए लोग बड़े विश्वास के साथ आते हैं और सीखते हैं और बीमारी दूर रहती हैं। हमारे दवाई कोई नहीं है, योग के आसन है और संयम है, कम खाओ ठीक हो जाओगे। हम कहते हैं मुसलमान जैसे आज रमजान के वक्त ना 30 रोजी हैं, बड़े मुश्किल होते हैं, पर तो मन कड़ा कर रहते हैं। एक आदमी था, उसकी बीवी ने कहा जी ये तो रोजा रखा, कल फिर रखना पड़ेगा, धैर्य रखो। हम धैर्य नहीं रखते। आदमी ने और कहा एक रोजा गया तो क्या होगा, अभी 29 चल जाएंगे। एक गया गया है 92 रोजे रहेंगे 9 से भी, एक गया 9 29 भी खत्म हो जाएंगे। तो हम कहते हैं नहीं, चांद कम निकलेगा तो खाना कम खाएंगे। मैं हमारा धर्म में तो बड़ी जो सुस्ती है और प्रमाद है ये सब बहुत है, ये एक बड़ी चीज़ है। मैंने कहा ना ये सूत्र ये योग से हम मिल करते हैं। अब विषय पर आए, प्रभु जी क्या सिखलाते हैं। प्रभु जी के आश्रम में प्रभु जी चूंकि पूर्ण विद्वान थे, संस्कृत के भी और अन्य भाषाओं के भी उन्हें पढ़े देखा, सब संस्कृत किताबें तो हैं योग दर्शन आदि। विद्वान एक बार गए काशी में, गए भाई वहीं सिखलाओ, भी सिखला नहीं सकते, पढ़ा सकते तो पढ़ा सकते, पढ़ लेने फायदा क्या। फिर उन्हें जंगलों में जाना पड़ा, जाकर उनसे से योग सीखा जो बड़े असली योगी थे, सीख के आ गए। अब मैं इस योग विद्या को लुप्त हो गया, किसी बात ही नहीं, आश्रम खोल दिए योग आश्रम। कहते यहाँ संपूर्ण योग विद्या होनी चाहिए, कहीं नहीं है संपूर्ण योग विद्या जो यहाँ है। संपूर्ण क्या होता है, 3 चीजें हैं। एक है, 3 तरह के योग हैं। एक है शिवजी महाराज का हठ योग, एक है पतंजलि महाराज का राजयोग, एक कृष्ण भगवान का कर्म योग। या 3 योग है। वो क्या है, भगवान कहते हैं भाई देखो, राजा जनक थे, परिवार में थे, राजा थे, जो वो करते हैं तुम वो करो, कर्म करते रहो मुक्त हो जाओगे। तो कैसे करोगे, जो राजा जनक करता था, उसके बाद व्यास ने अपना पुत्र भी बेचा था, तो जब उससे योग की शिक्षा लो। वो क्या होता है, क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, गीता पढ़ो। यही कहा है कि जो मैं योग सिखला रहा हूँ अर्जुन, ये राजा जनक का सिखला रहा हूँ। जनक आदि योगी हुए, वो योगी हुए, तुम भी योगी बनो, गीता के श्लोक है, ये कर्म योग यहाँ सिखलाते हैं। और हमें क्या सिखाते हैं, गीता पढ़ाते हैं। अब गीता लोग पढ़ते नहीं, क्या कैसी हालत में आ गए। मुसलमान कुरान पढ़ते रहते हैं, अंग्रेज बाइबल पढ़ते रहते हैं, हमारे पास गीता भी नहीं। ये वो जो श्लोक बोला ना, व्याधि स्थान संशय, ये हमारे नाश का कारण है। अगर हमने इसे पढ़ेंगे, परिवार भी नष्ट हो जाएंगे, हम भी नष्ट हो जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं, बीमारियों में पड़े रहेंगे। और ये लोग गया, परलोक भी गया। तो ये योग है, वो भी करना है। और हठ योग क्या होता है, वो कहते हैं भाई हठ योग क्या होता है, शरीर ठीक रखो तो योगी बन जाओगे। हठ योग शरीर से होता है ना,
जो भी है साधने शरीर के ही हैं, शरीर माध्यम धर्म साधनम, शरीर से ही धर्म बनेगा, शरीर से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल शरीर ठीक नहीं है, मुक्ति कैसे हो सकेगी, धर्म कार्य से आएगा। अब देखो बीमारी हो गई, घर आए हमारे, तो मुक्ति का हमें मुक्ति लेनी है। मुक्ति कहाँ मिलेगी जब शरीर नहीं ठीक। ये जन्म भी गया, अगला जन्म भी गया, आठ हो यह सुख लाते हैं यहाँ पर। तीसरा कि शरीर से धर्म होता है, धर्म से मुक्ति मिलती है, तो उसे कर्म करो जन की तरह, जनक मानो की मुक्ति मिलेगी। देखो पवित्र आश्रम में है और कहीं ये शिक्षा नहीं मिलेगी आपको, चाहो कोई सिखाने वाला है ही नहीं, पवित्र लाए तो ये शिक्षा है जो कि और सिखला रही हैं, उनके ग्रंथ भी हैं। तीसरा राजयोग, राजयोग कहते हैं शास्त्र कहते हैं माने मनुष्यानाम बंधन मोक्ष का, मान ही मनुष्यों का बंधन और मोक्ष में डालता है, मन ठीक करो, ये है राजयोग। सूत्र पहले सूत्र रहते हैं कि योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति। देखो कर्म और शरीर और मन तीनों को मिला दिया, कमाल है। पर आश्रम है त्रिवेणी है योग की, कहीं भी नहीं है ना, तीन योग हैं गंगा यमुना सरस्वती, तीनों हैं। गंगा में नहाओ तो हम तो गंगा में यमुना में नहाए नहीं, दिल्ली में नहाते हैं भाई, हमने गंगा जाना है, यमुना में नहा कर भी जमुना है, और गंगा नहाकर बस त्रिवेणी जाना है, गंगा में जाने त्रिवेणी जाया, पर त्रिवेणी में कह जाओगे, त्रिवेणी तो सरस्वती होती है, सरस्वती है ही कोई नहीं, कहाँ जाओगे, त्रिवेणी में सरस्वती भी है, वो जमीन से निकले, वो कुरुक्षेत्र में थी, वो कुरुक्षेत्र के समा गई, अब त्रिवेणी में जमीन के पानी निकलता है, वो त्रिवेणी है, तो योग की त्रिवेणी है गंगा यमुना सरस्वती, ये है योग की त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, पर करते नहीं ना। एक आदमी गया गंगा पर, एक आदमी बच्चे को ऐसे कह रहा था, गुरु जी कहते हैं क्यों कह रहे हो, बच्चे को हम तगड़ा बना रहे हैं सहन से, एक बात कर मैं तो कुछ सुनने पानी नहाता, वापस चला गया गंगा से नहाने के बगैर ही वापस चला गया। तो हम आते हैं, कोई तो बच्चे योग करते हैं, सुबह बच्चे ऐसे वो तो कहते हैं मैं बड़े आता क्या है, देख के चले जाते हैं, हम तो नृत्य करो नहीं हमसे नहीं होगी, वो गुस्सा गया, डरते हैं, डर से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। तो ये त्रिवेणी में नहाना पड़ेगा, जो कि त्रिवेणी में आप कैसे करेंगे, हमें योग आश्रम में आकर सीखना होगा। टीवी पर देख कर सीखना, अब बहुत सारे बच्चे आए हैं स्त्रियों पुरुष, अभी रात भी आए थे उधर राजगढ़ आदि संस्थानों से, क्या करते हो, हम तो टीवी देख करते हैं, देखा देखी करे योग चीजें काया बने रहो। फिर मैं शिक्षक करा गया, वो गुरु से सीखना है। ये एक ब्यास से आए थे, अभी आते हैं कभी कभी आ जाते हैं बेचारे, मैं नौकरी रहे हैं ब्यास में, मैंने क्यों आए ब्यास में, छुट्टी नहीं मिलती, कभी कभी आ जाओ करूँगा, मैं क्यों आए, क्या तो मैं सुना है योग करना है, मुझे शौक है योग का, लेकिन मैं नहीं करता,
क्यों कहते हैं गुरु के बिना योग नहीं करना चाहिए। गुरु यहाँ आते हैं, हम सिखलाते हैं, योग करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन गुरु के बिना नहीं करूँगा। हम टीवी से देख करते हैं, टीवी का योग जो है वो योग नहीं है, उसमें नाम भी गलत है और क्रिया भी गलत है और नुकसान भी हो रहा है। सीखना चाहिए योग को। तो भाइयों बहनों, मैं ये योग आश्रम है, इसमें आकर योग सीखो। एक चीज है, आपके त्रिवेणी तो है, तो त्रिवेणी ही केवल है, हम कहते हैं नहीं, कुरुक्षेत्र भी है, बहुत तीर्थ है। कुरुक्षेत्र सबसे पुरान तीर्थ है, जो त्रिवेणी नहीं थी उस वक्त कुरुक्षेत्र था, जहाँ लड़ाई हुई। क्यों त्रिवेणी थी? पर गंगा तो बाद में आई, वो तो कुरुक्षेत्र पहले था। और कुरुक्षेत्र के अंदर जो कहते सरस्वती त्रिवेणी में गई है, वो वहां थी। कैसे? कुरुक्षेत्र का जो जंगल था, जो अब भी है, 25 मील लंबा और 25 मील चौड़ा है, इतना था। तो उसमें लड़ाई हो रही थी। अब वो तीर्थ पे है, जब गीता का उपदेश हुआ, तो वो तीर्थ वो था जहाँ पर अब भी जाते हैं, सूर्य ग्रहण के ऊपर मेला लगता है। तो महाभारत में लिखा है, भगवान कृष्ण भी वहाँ स्नान करने गए थे, महाभारत में लिखा है। वो भी तीर्थ है, त्रिवेणी से बड़ा तीर्थ था पहले, त्रिवेणी बाद में भाई जो गंगा आई, तो गंगा तो अभी आई, वो तो बहुत पुराना था। और इसलिए वहाँ तीन नदियाँ थीं, दो नदियाँ थीं, एक इधर, उसका नाम सरस्वती था, उसका दृश्यवती था, उसके बीच में था, 25 मील लंबा, 25 चौड़ा, एक शास्त्र में लिखा है। उसके अंदर अनेकों महात्मा रहते थे, उसी में लड़ाई हुई थी। और उसमें 18 अक्षौणी सेना बहुत होती है, उस 25 मील के एरिया के अंदर लड़ाई लग गई थी। अब भगवान कृष्ण रण की नीति जानते थे, उनका द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं सकता, गुरु है, नीति से मारेंगे। अश्वत्थामा एक हाथी भी था, अश्वत्थामा कृष्ण का हाथी को ना ऐसे हाथी मारना आसान नहीं होता, ना ही मरते हैं, लेकिन उनका नीति के हाथी को मार दो। क्योंकि हाथी मार गया, वो तो हाथी कहीं मार गया, अश्वत्थामा मर गया। फैल गई अफवाह, फैल गई अश्वत्थामा मार गया, पर हाथी मार गया, वो इतना बड़ा हाथी था। मैं द्रोणाचार्य को सुना, कहीं मेरे पुत्र ही ना मर रहा हो, मैं कहाँ पहुंचता, 20 मील उधर 20 मील उधर कहाँ जाता, देखने लड़ाई हो रही है, कोई सोच मोबाइल नहीं ढूंढ देखता। तो देखो कमाल की बात है, उस वक्त द्रोणाचार्य अपने शिष्य के पास गया, सब अगर कोई सच्चा आदमी है तो यही है, ये बताएगा अफवाह। महाराज क्या विषय पाया, विषय अष्टमा मरा है, उसको पता था कि मरा है अष्टमा, उसके बाद अफवाह पाली, किसी पता नहीं, वो समझ गया कि इसको क्या कह के मैं पुत्र ही ना मरा हूँ। इसे पूछ रहा है, कहा मुझे पता नहीं है कि हाथी मरा है कि आदमी मरा है। तो संस्कृत का नरो वा कुंजरो वा, कुंजरो था हाथी, हाथी मरा या आदमी मरा ये पता नहीं। नरो जब नरो कहा ना तो किसी ने ताली लाई नहीं, उसने कुंजर रस नहीं, उसका
मेरा पुत्र ही मरे, अर्जुन तीर गया। कृष्ण तो नीतिमान था, ये बता में इतना बड़ा मैदान था जो लड़ाई हो रही थी, और उस वक्त वहाँ एक तीर्थ था जो सबसे पुराना तीर्थ है। अब कहाँ वो तीर्थ, योग में त्रिवेणी है तो तीर्थ हमारे कुरुक्षेत्र का है। ये तो आज तुम छोटा से, मगर वो तीर्थ 25 मील लंबा प्रचार हमारे तो 25 मील नहीं हजारों मील लंबे हमारे स्वर्ग। ये आश्रम देश में है, विदेश में भी है, जहाँ से लोग आ पाए हैं। ये वो कुरुक्षेत्र है जहाँ संघर्ष हो रहे हैं लोग बाकी चीज़ों से कि योग करो योग करो। जो आप अगर राजघाट से आए हैं, आप या पटियाले से आए हैं, ये आपके कुरुक्षेत्र हैं। कुरुक्षेत्र में हिम्मत की जाती है, लड़े जाते हैं। कुरुक्षेत्र का बड़ा महत्व है, आपको नहीं पता वो चीज़ें शास्त्र में लिखा। जो कुरुक्षेत्र रणभूमि थी और ऋषियों की भूमि थी, जो यहाँ मरता है उसकी हड्डियाँ गंगा में नहीं जाती, गंगा के बाद हुई। कुरुक्षेत्र ज़्यादा पवित्र है, उसकी हड्डियाँ वहीं जमना जाती हैं। कुरुक्षेत्र एरिया के अंदर मैं सारा मैं रहा हूँ, देखा है। जो जींद आदि नगर भी हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, कहता हरिद्वार क्या हुआ, ये बाद में बना, जैसे पहले बना। युद्ध भूमि है, जो युद्ध में मरता है तो वो पवित्र है। जैसे किसी का युद्ध में मरना अच्छी बात है। तो आपके जो आश्रम है बनाओ, आश्रम घर घर में आश्रम बनाओ, अपने घरों को आश्रम बनाया। आप पटियाले से आए हैं, नक्शा लाए हैं, इतना सुंदर ये बन जाएगा। गांधी जी हैं, उन्हें इतना बनाया। रोडियों में अब 20 आश्रम बन रहे हैं घरों के अंदर, और अपने घर को आश्रम बनाते हैं। घर को आश्रम बनाते हैं, बच्चे कहते हैं हमारे आश्रम में सीखते हैं, सिखलाते हैं, बच्चों का जीवन बन जाता है। तो आपको ये प्रार्थना है कि योग सीखो, योग सिखलाओ और घरों को आश्रम बनाओ। तो ये आश्रम त्रिवेणी है, लेकिन आपके घर कुरुक्षेत्र हैं, और कुरुक्षेत्र जो होते हैं वो त्रिवेणी से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं। मैं कहूँगा ये आपका जो राजगढ़ का आश्रम है यहाँ से भी ज़्यादा अच्छा है, पटियाले का भी यहाँ से अच्छा है। ये तो त्रिवेणी है और कुरुक्षेत्र है। बहुत सच्चिदानंद महाराज।